नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान JEE भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान GK का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न है वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है मोतीलाल तेजावत, दूसरा है गोविंदगिरी, तीसरा है भोगीलाल पांड्या और चौथा है मन्ना पटेल। सवाल क्या पूछा है दोस्तों? भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे राजस्थान में, वो पूछा है। और इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है गोविंदगिरी। क्या नाम हो रहा है? गोविंदगिरी। ये जो गोविंदगिरी थे इनको माना जाता है भील आंदोलन का प्रणेता। वैसे ये राजस्थान के ही रहने वाले थे और इन्होंने भीलों से संबंधित जागरूकता के लिए 1883 में संत सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1883 में, जो कि भीलों का एक प्रमुख आंदोलन था। और यह जो संत सभा की स्थापना थी इससे भीलों को शिक्षा की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से एक तरह से इनको जागरूक करना था, ताकि ये जो भील जाति के लोग थे उस समय में एक समाज की जो मुख्य जो सीढ़ी है या मुख्य लाइन में आ सके। तो भील आंदोलन के प्रणेता गोविंदगिरी को माना जाता है। इन्होंने संत सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखना 1903 के अंदर संत सभा का पहला सम्मेलन होता है। कब? 1903 में। और 1913 के अंदर मानगढ़ हत्याकांड होता है और जब ये सभा चल रही होती है मानगढ़ नामक स्थान पर जो बांसवाड़ा में स्थित है। तो भील आंदोलन के प्रणेता गोविंदगिरी जिन्होंने संत सभा की स्थापना की थी 1883 में, और संत सभा का पहला अधिवेशन 1903 में हुआ था, अंतिम अधिवेशन 1913 में हुआ था। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल है मोतीलाल तेजावत द्वारा, किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? चार ऑप्शन है आपके सामने। उदयपुर है, डूंगरपुर है, उसके बाद उदयपुर, डूंगरपुर, मानगढ़ और मातृकुंडिया। तो उसको सवाल क्या पूछा है? एकी आंदोलन और एकी आंदोलन का भी इन्होंने क्या पूछा है? शुरुआत। पहली बात तो एकी आंदोलन को चलाया किया किसने था? मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत को ध्यान रखना आदिवासी क्या कहते थे? बाबजी। यानी सवाल क्या पूछा जाता है कई बार, एकी आंदोलन के जो प्रणेता थे उनको आदिवासी क्या कहते थे? बाबजी कहते थे। एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? मातृकुंडिया में। कहां से? मातृकुंडिया में। ये मातृकुंडिया है उस समय मेवाड़ ठिकाने का ही एक हिस्सा था और वर्तमान में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में इसे एकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सवाल पूछ रहे कि एकी आंदोलन हुआ कब था? सवाल आपसे पूछे कि एकी आंदोलन कब हुआ था, तो ध्यान रखना कि एकी आंदोलन हुआ था 1922 में। कहां कब हुआ था? 1922 में एकी आंदोलन हुआ था। और एकी आंदोलन के प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर यह आंदोलन हुआ था। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो एकी आंदोलन की जो प्रारंभिक जगह थी जहां से ये शुरुआत हुई थी मातृकुंडिया को कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। कौन सा द्वार कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपनी स्क्रीन पर। संप सभा की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला है मोतीलाल तेजावत और दूसरा है गोविंदगिरी, तीसरा है भोगीलाल पांड्या और चौथा है विजय सिंह पथिक। सवाल किसका पूछा है? संप सभा का जो
संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है गोविंद गिरी को। ध्यान रखना दोस्तों कि गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की थी और इसका जो कब की थी तो 1903 के अंदर की थी और 1913 के अंदर इसका एक सम्मेलन होता है मानगढ़ नामक स्थान पर और उस समय यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा एक जो सेना होती है वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर गोलीबारी करती है और गोलीबारी में लगभग कितने लोग मारे जाते हैं, गोलीबारी में 1500 लोग मारे जाते हैं। इसे राजस्थान का दूसरा और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखना। तो गोविंद गिरी ने ही 1903 के अंदर संत सभा की स्थापना की थी। किस सभा की स्थापना की थी? संत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है वो देखिए, भोगीलाल पांड्या, सागरमल गोपा, मोतीलाल तेजावत और नानक भील। दोस्तों भोगीलाल पांड्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भोगीलाल पांड्या जिनको कहां का गांधी कहा जाता है? बागड़ का गांधी। कहां का गांधी? बागड़ का गांधी कहा जाता है। अगली चीज, भोगीलाल पांड्या के बारे में क्या सवाल पूछा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या ने ही डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने सबसे ज्यादा आदिवासियों से संबंधित आंदोलन में भाग लिया था। आदिवासी आंदोलन में भाग लेने के लिए ये हमेशा सक्रिय रहे थे। तो अगर वागड़ के गांधी पूछे तो आप बोलोगे भोगीलाल पांड्या। और भोगीलाल पांड्या ने, ध्यान रखना, हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। सवाल पूछे कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा संघ, तो इसकी स्थापना भी किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार, सवाल क्या पूछा है? भारत सरकार द्वारा आदिम जाति, भारत सरकार द्वारा आदिम जाति समूह की सूची में राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। सवाल यह पूछा है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है? तो देखिए राजस्थान के अंदर आदिम जनजाति में शामिल करने वाले चार ऑप्शन है, सहरिया है पहला, दूसरा है भील, तीसरा है गराशिया और चौथा है मीणा। सहरिया, भील, गराशिया और मीणा। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक जनजाति है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति की क्या क्या सवाल बनते हैं, इनको आदिम जनजाति में शामिल किया गया है, पहली बात तो ध्यान रखना आदिम जनजाति। दूसरा क्या है कि सहरिया जनजाति के लोग भीख नहीं मांगते हैं और राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिनके घर में लड़की पैदा होती है तब ये लोग बहुत अधिक खुश होते हैं। तो जब लड़की पैदा होने पर सर्वाधिक जश्न मनाने वाली जनजाति, सर्वाधिक खुशी मनाने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति है। सवाल यह पूछा जाता है कि सहरिया जनजाति है ये किस जिले में निवास करती है सर्वाधिक? तो देखिए सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है बारा जिले में। कहां पर? बारा जिले में। बारा जिले के अंदर दो तहसीलें हैं और कौन कौन सी है? एक तो है किशनगंज, कौन सी है? किशनगंज है और एक है शाहबाद। इन दो तहसीलों में यह सर्वाधिक निवास करती है। अब देखिए सहरिया जनजाति है, इन सहरिया जनजाति के बारे में और क्या सवाल बनता है? देखिए सहरिया जनजाति के गुरु कौन है? इनके गुरु माने जाते हैं वाल्मीकि। क्या? आदि गुरु किसे मानते हैं? ये वाल्मीकि को। सहरिया जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं और जो पेड़ों पर मकान बनाते हैं, पेड़ों पर एक झोपड़ी बनाते हैं, मकान नुमा एक झोपड़ी बनाते हैं पेड़ों के ऊपर, कई बार सवाल उसका पूछा जाता है उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब ये लकड़ी से जो पेड़ों पर क्या बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको ये लोग कहते हैं टोपा कोरवा गोपना। टोपा इनका घर क्या कहलाता है? टोपा कोरवा और गोपना। अगली बात कि सहरिया जनजाति है ये तेजाजी को तो क्या मानती है? देवता, प्रिय देवता। तेजाजी को प्रिय देवता मानती है और किसको मानती है? एक देवी है जिसका नाम है कोडिया देवी।
तो कोड़िया देवी की ये क्या करते हैं, बहुत अधिक पूजा करते हैं। तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसको आदिम जनजाति में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो इनका मेला आयोजित होता है सीताबाड़ी के अंदर, सीताबाड़ी बारा के अंदर है, और इसे कहा जाता है सहरिया जनजाति का सुरंगा मेला। सहरिया जनजाति का कौन सा मेला, सुरंगा मेला कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो सहरिया जनजाति है यह आदिम जनजाति में शामिल है, वाल्मीकि इनके आदिम गुरु हैं। ये लड़की पैदा होने पर बहुत अधिक खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। इनका मेला सीताबाड़ी का मेला है, बारा जिले के अंदर सर्वाधिक निवास करती है, किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में तेजा जी को प्रिय देवता मानते हैं। इसके अलावा कोड़िया देवी की पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोग भीख नहीं मांगते हैं, क्या नहीं मांगते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बीजा और माला, सवाल क्या पूछा है, बीजा और माला किस जनजाति की उपजातियां हैं। चार ऑप्शन है, सांसी है, भील है, डामोर है और गरासिया है। सवाल क्या पूछा है, बीजा और माला ये किस उप जनजाति की उपजातियां हैं। तो देखिए राजस्थान के अंदर एक जाति है जिसका नाम है सांसी जनजाति, और सांसी जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है, भरतपुर में। तो भरतपुर के अंदर एक जनजाति है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति के दो भाग है, बीजा और माला। क्या नाम है, बीजा और माला है, जो क्या करती है, इनकी दो उपजाति है। ये कैसी जनजाति है, खाना बदोश जनजाति है, इधर उधर हमेशा क्या करते हैं, ये लोग घूमते रहते हैं। तो ध्यान रखना सांसी सर्वाधिक जनजाति के लोग सर्वाधिक भरतपुर में, और बीजा और माला ये इनकी क्या है, दो उपजातियां मानी गई हैं, दो उपजातियां मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीलों द्वारा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, भीलों द्वारा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, भीलों द्वारा। तो भीलों का नृत्य पूछा है कि होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने, गौरी है, गेर है, हाथी मन्ना है, नेजा है। तो देखिए दोस्तों होली पर ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं, गेर नृत्य करते हैं। इसके अलावा एक नृत्य है हाथी मन्ना, एक है गौरी जिसको राई नृत्य भी कहा जाता है, एक है हाथी मन्ना। क्या नाम है, हाथी मन्ना। इसके अलावा एक नृत्य है घूमरा, क्या नाम है, घूमरा। एक नृत्य है जिसका नाम है द्विचक्री, कौन सा नृत्य है, द्विचक्री। इन सारे नृत्यों का संबंध किस जनजाति से है, भील जनजाति से। कर्नल जेम्स टॉड एक व्यक्ति है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा है, भीलों को इन्होंने कहा है वन पुत्र। किसका पुत्र कहा है, वन पुत्र कहा है। अब सवाल यह पूछा जाता है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति। इसके अलावा सवाल यदि पूछे कि देखिए भीलों के अंदर मृत्यु बोझ, भीलों के अंदर मृत्यु बोझ होता है, मृत्यु बोझ को ये लोग क्या कहते हैं, तो मृत्यु बोझ को ये लोग कहते हैं कांदिया। क्या कहा जाता है, भीलों में मृत्यु बोझ को क्या कहा जाता है, कांदिया कहा जाता है। अगला सवाल कि राजस्थान के अंदर जो ये भील है, इस भील जनजाति का घर जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, तो देखिए मुखिया होता है वो होता है पटेल, कोतवाल। इसके अलावा ये घर को कहते हैं घेर, घर को क्या कहते हैं, घेर कहते हैं। इसके अलावा सवाल क्या पूछा जाता है कि ये जो भील जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं, तो ये सर्वाधिक करते हैं उदयपुर में। कहाँ पर निवास करते हैं, उदयपुर में भील सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ के अंदर भी है, बांसवाड़ा के अंदर भी है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो भील जनसंख्या की दृष्टि से उदयपुर पहले नंबर पर आता है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो है भील जनजाति। और भील जनजाति है, भील शब्द किससे बना है, वील से, किससे बना है, वील से बना है, और जिसका मतलब ये होता है धनुष चलाने वाला। और क्या चलाने वाला, चलाने वाला धनुष चलाने वाला। तो देखिए भील जनजाति के अंदर कौन कौन सी नृत्य है, घेर है, और घेर है, हाथी मन्ना, गौरी, राई, द्विचक्री और घूमरा। इसके अलावा पटेल और कोतवाल इनके मुखियों के नाम है, वीर शब्द से भील बना है, मृत्यु बोझ को ये लोग कांदिया कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड इनको वन पुत्र कहता है, सर्वाधिक उदयपुर में निवास करते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील, कौन सी जनजाति है,
भील, इसके अलावा जो ये भील है, इन भीलों को वन पुत्र कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। क्या, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। इसके अलावा देखिए, भील जनजाति के अंदर जो पुरुष होते हैं सिर पर वो क्या पहनते हैं? सापा, जिसको कहा जाता है पोतिया। इसके अलावा डेपाड़ा, पोतिया, कछाऊ, बुगतरी, ये पुरुषों के क्या है? वस्त्र माने जाते हैं। किस जनजाति में? भील जनजाति में, जो एग्जाम में अक्सर सवालों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीना जनजाति की उत्पत्ति। मीना जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य ग्रंथ मीना पुराण के रचयिता कौन है? एक जनजाति है राजस्थान की मीना जनजाति, और मीना जनजाति का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मीना पुराण। और मीना पुराण के अंदर क्या पूछा है कि इसकी रचना किसने की थी? और मीना पुराण, इसके चार ऑप्शन है, देखिए, तरुण सागर, मगन सागर, बुद्धि प्रकाश और हरिब्रह्मसूरी। दोस्तों, मीना पुराण है, इसकी रचना किसने की थी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक व्यक्ति हुए थे मगन सागर। क्या नाम था? मगन सागर। और मगन सागर ने मीना पुराण की रचना की थी, और इन्होंने इसमें ये बताया कि मीना है वो किससे बने हुए हैं? मीन, और मीन का मतलब क्या होता है? मछली। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ी जनजाति, किस दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या मीना जाति की है। इसके अलावा मीना जाति के जो ये लोग हैं, किस जनजाति के लोग? मीना जाति के लोग हैं सर्वाधिक किस जिले में निवास करते हैं? जयपुर जिले में। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति, सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो सबसे शिक्षित जनजाति, दो ध्यान रखना, मीना जनजाति। कौन सी जनजाति? मीना जनजाति। मीना भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, मीना जनजाति भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है जमींदार, और दूसरा क्या होता है? चौकीदार। चौकीदार वालों का काम था पहले का पहरेदारी करना, और जमींदार वीणाओं के क्या काम थे? तो इनके जो जमींदार वीणाओं के काम तो थे, जमींदार वीणाओं के प्रमुख कार्य थे वो थे क्या करना, मतलब बहुत अधिक धन आय, और आप कह सकते एक तरह से सेठों की तरह ये लोग रहते थे, व्यापार वगैरह करते थे। तो जमींदार जो लोग थे उनके पास तो आय का साधन था, इसके अलावा ये कृषि भी करते थे और दूसरे कार्य भी करते थे। चौकीदार बिना है वो लोग पहरेदारी का कार्य करते थे। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है इनके कुल देवता कौन से थे, तो इनके कुल देवता थे गौतमेश्वर। ये कुल देवता किसको मानते हैं? कुल देवता है एक व्यक्ति जिनका नाम है गौतमेश्वर, जिनको भूरिया बाबा भी कहते हैं, और मीना जाति के लिए गौतमेश्वर या फिर भूरिया बाबे भी कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती है। अब राजस्थान में ऐसी जनजाति भी है जो घर बनाकर नहीं रहती है, ऐसी जाति कौन सी है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन देखिए भील, दूसरा है मीना, और तीसरा है गाड़िया लुहार, और चौथा है सांसी। देखिए, राजस्थान की एक जाति है जिसका नाम है गाड़िया लुहार। ये जो गाड़िया लुहार है ये कैसी जाति है? खाना बदोश जाति है, यानी ये लोग क्या कहां पर नहीं रहते हैं? कभी भी घर बनाकर नहीं रहते हैं, स्थायी रूप से ये हमेशा घूमते रहते हैं। और गाड़िया लोहार को किसकी सेना माना जाता है? महाराणा प्रताप की सेना माना जाता है। महाराणा प्रताप की सेना माना जाता है गाड़िया लोहारों को। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भी महाराणा प्रताप के साथ प्रण लिया था कि जब तक मेवाड़ को वापिस मुगलों से स्वतंत्र नहीं कराएंगे तब तक ये लोग अपने घरों में स्थिर होकर नहीं बैठेंगे। तो राजस्थान के अंदर घर बनाकर नहीं रहने वाली जनजाति कौन सी है? गाड़िया लुहार जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरने वाले के मुंह में, किसके मुंह में? मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन, शराब की बूंदे डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मृतक के मुंह में क्या डालते हैं? शराब की बूंदे डालते हैं, वो कौन सी जनजाति है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है मीना, दूसरा है भील, तीसरा है ग्रासे, और चौथा है कंजर। दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंदर एक जनजाति है कंजर। कौन सी जनजाति है? कंजर। और कंजर जनजाति है, इस कंजर जनजाति का निवास स्थान माना जाता है, सर्वाधिक ये रहती है कोटा में। कहां पर रहती है? कोटा में। कंजर का मतलब होता है काननचर, काननचर का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला। जब इनके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब ये लोग क्या करते हैं? जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसके मुंह में क्या डालते हैं? शराब की कुछ बूंदे डालते हैं, ताकि उन लोगों का यह विश्वास होता है कि ये शराब की बूंदे जाने के बाद उस व्यक्ति को क्या होगा, हमारे शराब की जो महक है और इसका जो स्वाद है इसके शरीर के अंदर जाएगा, और जब ये वापिस जन्म लेगा तो हमारे ही कुल में
जन्म लेगा। तो ये मुंह में क्या डालते हैं? शराब की बूंदे। इसके अलावा कंजर जनजाति है, ये कैसी किसके लिए जानी जाती है? अपराध प्रवृत्ति की जाति है। किसकी? अपराध प्रवृत्ति की जाति है, कंजर जाति के लोग। इनका मुख्य काम क्या होता है? चोरी करना। क्या करना? चोरी करना। इसके अलावा चोरी करने से पूर्व ये क्या करते हैं? देवता के सामने हाथ मां जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बार हमारी चोरी सफल हुए और हमें अधिक धन मिले। इसके लिए वो जो प्रार्थना करते थे उसको कहते हैं पाती मांगना। क्या करना? पाती मांगना। इसके अलावा ध्यान रखना कि जब ये कंजर जाति के लोग है, किस जाति के लोग? ये कंजर जाति के लोग सुंदर होते हैं, महिलाएं अधिक सुंदर होती हैं, लेकिन ये हमेशा कैसे रहते हैं? मैले रहते हैं। कैसे रहते हैं? मैले रहते हैं। मैले मतलब कुरूप में, यानी अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं या फिर इस तरह से रहते हैं। तो सबसे सुंदर जनजाति कौन सी है? वो कंजर जनजाति है। तो वापिस समझ लीजिए, कंजर जनजाति की सुंदर जनजाति है, शराब की बूंदे मत्तक के मुंह में डालते हैं और सर्वाधिक निवास कोटा क्षेत्र में करते हैं, हाड़ौती प्रदेश में। अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है, चोरी करने का मतलब होता है पाती मांगना। क्या करना? पाती मांगना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके घर के दरवाजे होते हैं वो दो होते हैं, एक मेन गेट होता है, एक पिछला गेट होता है। जैसे ही पुलिस इनको पकड़ने के लिए आएगी, ये पीछे वाले गेट से भाग जाएंगे। तो ये कंजर जनजाति के घर होते हैं, इन घरों के दो दरवाजे होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे होता है। इधर से आएंगे तो इधर से भाग जाएंगे, इधर से आएंगे तो इधर से भाग जाएंगे। अब अगला सवाल क्या है वो देखिए, धारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? चार ऑप्शन है, गरासिया, सहरिया, मीणा और भील। वापिस सुन लीजिए, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो धारी संस्कार सुन लीजिए, ये धारी संस्कार जनजाति में प्रचलित है वो है सहरिया। और सहरिया जनजाति के लोगों का ऐसा मानना है कि जब इनके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के 3-4 दिन बाद में ये लोग क्या करते हैं, उस मृत्यु हुई स्मारक से जहां पर जिस व्यक्ति को जलाया जाता है वहां से उसकी क्या लेकर आते हैं? राख लेकर आते हैं और शाम के समय उसे आंगन में बिछा कर किसी कपड़े से ढक देते हैं। और ढकने के बाद जब ये सुबह उठते हैं और उस कपड़े को हटाते हैं और हटाने के बाद उस पर जो निशान बनता है, उनका ऐसा मानना ये होता है कि जो निशान बनता है उस व्यक्ति ने उसी योनि में क्या लिया है? जन्म लिया है, या जन्म लिया है। तो धारी संस्कार है ये सहरिया जनजाति में है। और सहरिया जनजाति में ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना यह पुनर्जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुनर्जन्म से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, फाइरे फाइरे किस जाति का रणघोष है? फाइरे फाइरे किस जाति का रणघोष है? तो ध्यान रखना चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है भील, दूसरा है मीणा, चौथा है डामोर, फिर है गरासिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे राजस्थान में एक जनजाति है भील, और भील जनजाति के ऊपर जब कोई संकट आ जाता है तब वो क्या करते हैं? जोर जोर से एक शब्द का प्रयोग करते हैं, फाइरे फाइरे, जिससे कि सारे भील लोग हैं वो इकट्ठा होकर उस व्यक्ति की सहायता के लिए पहुंच सके। तो फाइरे फाइरे एक रणघोष है और किस जनजाति से है? भील जनजाति से है। इसके अलावा दूसरा देखिए, ये जो भील है, इन भीलों को वन पुत्र कहा गया है। अगली बार इन भील जनजाति का एक ध्यान रखना ढोल होता है, और उस ढोल का क्या नाम होता है? मारू ढोल। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आ जाता है तब ये ढोल बजाया जाता है, तो सारे भील जाति के लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। अगली बात देखिए कि भील जनजाति के अंदर 5 प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला विवाह देखिए, एक होता है हरण विवाह। हरण विवाह का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति होता है वो किसी लड़की को लेकर भाग जाता है तो वो होता है हरण विवाह, जिसे अपहरण विवाह भी कहा जाता है। दूसरा विवाह देखिए, वो होता है परीक्षा विवाह। दूसरा होता है परीक्षा विवाह, जब किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के को क्या करनी होती है? अपने प्यार का इकरार करना पड़ता है, उसके लिए उसको परीक्षा देनी पड़ती है। तो इसके लिए उसको क्या देनी पड़ती है? परीक्षा देनी पड़ती है, लोगों के सामने अपना सच्चा प्यार साबित करना होता है, उसे कहते थे परीक्षा विवाह। दूसरा तीसरा विवाह देखिए, क्रय विवाह। तीसरा विवाह होता है, तीसरा टाइप का विवाह है वो है क्रय विवाह। और क्रय विवाह का मतलब क्या होता है कि भील जनजाति के अंदर ये जो प्रचलित है इसको दापा भी कहा जाता है, कि जब किसी व्यक्ति को कोई लड़की पसंद आ जाती है और वो उसके घर पे जाता है और कहता है कि हमें शादी करनी है आपकी बेटी से, तो वो कहता है चल मेरी बेटी से शादी कर ले, लेकिन 10 लाख रुपए दे। तो 10 लाख रुपए देगा किसको? वो लड़की के घर वालों को, उसे दापा कहा जाता है या भी क्रय विवाह
कहा जाता है, ये दापा प्रथा भीला में प्रचलित है। फिर आता है चौथा विवाह जिसका नाम होता है सेवा विवाह। क्या होता है? सेवा विवाह मतलब किसी व्यक्ति को कोई लड़की पसंद आ जाती है और पसंद आने के बाद वो क्या करते हैं कि भाई मुझे तेरे से करनी है शादी, तो लड़की के पिता के पास जाता है, पिताजी को कहता है मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं शादी तो कर ले, लेकिन तुम्हें हमारी ही सेवा करनी पड़ेगी, हमारी चाकरी करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, हमारा कार्य करना पड़ेगा और हमारे घर का खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर लड़का हाँ कर देता था तो शादी हो जाती थी और इसे कहते थे सेवा विवाह। कौन सा विवाह होता है? सेवा विवाह। एक होता है देखिए हट विवाह। कैसा विवाह? हट विवाह। हट विवाह का मतलब ये होता है कि लड़के और लड़की के माता पिता राजी नहीं है, लेकिन लड़के और लड़की मियां और बीवी यानी दोनों जो लड़के और लड़की है वो दोनों राजी है, और जब ये दोनों शादी कर लेते हैं इसको कहते हैं हट विवाह। यानी लड़की वाले भी राजी नहीं है, लड़के वाले भी राजी नहीं है, उसको कहते हैं हट विवाह। एक और विवाह होता है जिसका नाम होता है हाथी वेडो विवाह। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हाथी वेडो विवाह। ये हाथी वेडो विवाह होता है, इस विवाह में क्या होता है भील पुरुष और भील महिला होती है। ये शादी करते वक्त किसी पंडित को नहीं बुलाते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, बल्कि किसको साक्षी मानते हैं? पेड़ पौधों को साक्षी मानकर क्या करते हैं? पेड़ पौधों को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। एक होता है ताणना विवाह। ध्यान रखना, ताणना विवाह भी इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है, ताणना का मतलब होता है रार और रार का मतलब होता है लड़ाई। चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे माता बूढ़े, चाहे कुछ भी हो, जबरदस्ती क्या करना, विवाह करना, वो कहता कहलाता है ताणना विवाह। कौन सा विवाह कहलाता है? ताणना विवाह कहलाता है। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि एक भीलों के अंदर एक उत्सव है, सवाल पूछा जाता है कि भगोरिया उत्सव किस जनजाति में प्रचलित है, तो भगोरिया उत्सव है वो भील जनजाति में प्रचलित है। भील सर्वाधिक किस जनजाति कहां पर निवास करते हैं? उदयपुर में निवास करते हैं। इसके अलावा इनके घर को क्या कहा जाता है? तो घर को कहा जाता है, ध्यान रखना, भीलों के घर को क्या कहा जाता है? कु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कु कहा जाता है, घेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर को घेर या कु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रेम विवाह का प्रचलन। कौन से विवाह का प्रचलन? प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक किस जनजाति में प्रचलित है? अब देखिए प्रेम विवाह सबको पता है, प्रेम विवाह का मतलब क्या होता है और ये किस जनजाति में प्रचलन है ये नहीं पता है, तो ये बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है वो देखिए, भील है, फिर है मीणा है, फिर देखिए भील है, मीणा है, गरासिया है और डामोर है। और क्या है? डामोर है। तो देखिए दोस्तों, प्रेम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है वो है डामोर जनजाति में। किस जनजाति में है? डामोर जनजाति में है, और डामोर सर्वाधिक डूंगरपुर में निवास करते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई महिला पसंद आ जाती है तो कोई भी कहता है कि नो ऑब्जेक्शन, एनओसी ले लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये लोग क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। तो प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक डामोर जनजाति में देखने को मिलता है। अब सवाल अगला है, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? तो डामोर जनजाति है वो कहां पर? डूंगरपुर में। डामोर जनजाति की क्या विशेषता है? तो देखिए डामोर जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो भी महिलाओं की तरह गहनों के शौकीन होते हैं। तो इसमें जो पुरुष और महिला, पुरुष व महिला दोनों क्या करते हैं? गहने पहनते हैं, गहने पहनते हैं। यानी इस जनजाति के लोग महिला और पुरुष है दोनों को क्या होता है? गहने पहनने का शौक होता है। ये होली आती है तो डामोर लोग, होली आती है तो होली पर एक उत्सव मनाते हैं जिसका नाम होता है चाड़िया उत्सव। और चाड़िया उत्सव कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है होली पर डामोर पुरुषों और महिलाओं के द्वारा। डामोर परिवार है, इन डामोर परिवारों के सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये एकल परिवार में रहते हैं। कैसे? एकल परिवार का मतलब ये होता है कि एक घर के अंदर एक परिवार ही रहता है। लड़के की शादी हुई, लड़का घर से अलग। आप कहोगे कि माता पिता किसके साथ रहते हैं? तो सबसे छोटा बच्चा होता है उसी के साथ माता पिता रहते हैं। और इनका घर का मुखिया होता है वो कहलाता है मुखी। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों में कांदिया क्या है? सवाल वापिस रिपीट हुआ है और कई बार पूछा गया है, आदिवासियों में कांदिया क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, प्याज की सब्जी, मृत्यु भोज, लड़ाकू व्यक्ति या कच्ची शराब। सवाल क्या पूछा है? कांदिया। और कांदिया क्या है? तो ध्यान रखना, आदिवासियों में मृत्यु भोज, आदिवासियों में मृत्यु भोज होता है, उसको कहते हैं
कान दिया। अब देखिए भोजन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है मसर, और मसर होता है सामान्य रूप से कौन सा भोज, मृत्यु भोज, और जिस पर राजस्थान सरकार ने पूर्ण रूप से क्या लगा दी है, रोक। एक होता है जौसर, क्या होता है जौसर, और जौसर का देखिए क्या होता है, जौसर का मतलब होता है जीवित, यानी कोई व्यक्ति अगर जीवित है और वो कहता है कि मैं तो जीते जी अपना मृत्यु भोज करना चाहता हूँ, तो जीवित रहते हुए, कब जीवित रहते मृत्यु भोज करना, जीवित रहते मृत्यु भोज करना कहलाता है जौसर। एक होता है बडार, क्या होता है बडार, और बडार कब होता है, जब कोई लड़का किसी लड़की से विवाह कर लेता है तो उसके बाद ससुराल से उस लड़की को अपने घर पर लाता है, जिसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं हताई, उसी को ही कहा जाता है बडार, यानी वर पक्ष द्वारा दी गई या दिया गया भोजन क्या कहलाता है, बडार कहलाता है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा एक प्रथा है संतारा प्रथा, इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म में प्रचलित है संतारा प्रथा, सवाल क्या पूछा जाता है, संतारा प्रथा का प्रचलन कहां किससे है, जैन समुदाय से। इसका क्या मतलब होता है, इच्छा मृत्यु, मतलब ये होता है कि जब कोई जैन धर्म का कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब उसको लगता है कि मेरा जीवन है अब किसी कार्य का नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, व्रत रखता है और ईश्वर को याद करते करते क्या करता है, भोजन त्याग देता है, क्या तो त्याग देता है, भोजन त्याग देता है और पूर्ण रूप से क्या करता है, ईश्वर के अंदर लीन हो जाता है, उसी समय उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो होता है संतारा प्रथा, जैन समुदाय में है, इसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है, इसमें व्यक्ति भोजन को क्या कर देता है, त्याग देता है।